ये पहला कि कभी भी हम ढीले ना पड़े, क्योंकि जो मन है, मन की ये आदत है, मन के अंदर असीमित क्षमता है कि किसी भी आध्यात्मिक चीज को वो भौतिक बना देता है। हम अब नए नए आएंगे तो हम डीटीज की सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर जात केयरफुल नहीं रहे तो डीटीज भी साधारण पत्थर लगना शुरू हो जाएंगे। शुरू शुरू में कीर्तन में बहुत उत्साह आता है, फिर धीरे धीरे वो कीर्तन भी नॉर्मल लगने लग जाता है। शुरू शुरू में हम आते हैं खिचड़ी प्रसाद भी मिल जाए, इतने उत्साहित होते थे, इतना धन्यवाद देते थे, अपने आप को बोलते थे कितना मुझसे सौभाग्यशाली कोई है नहीं। अब राजभोगी सामने आए तो बोले क्या है खास, वो इतना एक्साइटमेंट नहीं होता। हर चीज साधारण, गुरु वैष्णव शास्त्र सब वही तो बातें लिखी हुई है, इतनी बारी पढ़ लिया, इतनी बारी सुन लिया। तो मन के अंदर असीमित क्षमता है किसी भी आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक बना देती है, और जब भौतिक बात गई तो उसमें हम उब जाते हैं। एक बार उब जाते हैं तो उसको फिर रिचुअलिस्टिक करना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे रुचि खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम कंप्लेसेंट ढीलापन भक्ति में ना देते, विलफुली इसको नेग्लेक्ट ना करें। हमेशा किसी भी स्थिति में क्यों ना हो हमें इसकी आवश्यकता है, सावधानी से करें। दूसरा कि भरत महाराज अकेले निकल गए जंगल में, ऑल अलोन, उनको कोई साधु संग नहीं था कि जो उनको समझा सके, प्रभु जी आपका मॉर्निंग प्रोग्राम खराब हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, एक हिरण से इतना आसक्त क्यों हो रहे हो, यू नो प्लीज़ ध्यान दो जरा, कोई ऐसे थे नहीं। एक बार भागवत प्रभु थे, उन्हें शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हम कैसे माया से बच के रह सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला, यू नो इट्स जस्ट लाइक अ बोट, आप एक नाव में हो और माया में कीप ऑन रॉकिंग योर बोट, जो माया है वो आपके बोट को बहुत हिला रही हो, तरह तरह की तरंगे पड़ रही हो पर, और आप गीले भी हो रहे हो, लेकिन खड़े रहो, बोट में रहो, पानी में कूदना मत, बोट को छोड़ना मत। यानी कि प्रभुपाद कह रहे हमेशा भक्तों के संग में रहो। भक्तों के संग में कई हमारी कुछ तकलीफें भी हो सकती हैं, परेशानियां भी हो सकती हैं, लगे रहो, भक्तों के संग में ही रहो, कूद के बाहर मत चले रहो। तो हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों का संग सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है, मोस्ट सिक्योर प्लेस इज डिवोटीज एसोसिएशन, इसको हम कभी भी छोड़ के ना जाए। तीसरा हम सोच रहे थे कि इस संसार में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हैं, भरत महाराज एक हिरण से आसक्त हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। सौबरी मुनि पानी के अंदर एक मछलियों को देखकर उनसे आकर्षित हो गए, तो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत हैं, तो कैसे हम हमेशा फोकस्ड रहे अपने लक्ष्य पे, ये बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद हमें बार बार पुनरावलोकन करना चाहिए, सिंगावलोकन करना चाहिए कि क्या मेरा साध्य था, कैसे मेरी साधना चल रही है। एक तो होती है रैट रेस, भौतिक जगत में रैट रेस है, सब चूहे की तरह दौड़ रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में एक इंट्रोस्पेक्टिव जो डिवोटी है, अंतर्मुखी भक्त है, वो सिंगावलोकन करता है। सिंगावलोकन का अर्थ है कि जब शेर एक कदम आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ के देखता है, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ के देखता है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, किस गति से जा रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ। तो बहुत आवश्यक है, इससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अपना फोकस हमेशा बना के रखें। वैशाषिक का प्रभु एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग ऑलवेज द मेन थिंग। मुख्य बात यह है कि मुख्य बात को हमेशा मुख्य बात रहने दो। भरत महाराज आए सब कुछ छोड़कर भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, सुंदर अपनी पत्नी को त्यागा, बच्चों को त्यागा, 24 वर्ष की अवस्था में राज्य को त्यागा, पूरे इस ग्रह के राजा थे वो, पूरे ग्रह का नाम उनके ऊपर रखा गया, भरत वर्ष, पूरे वर्ष के राजा थे, फिर भी सब कुछ त्याग के किस लिए आए थे, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने आए थे, उनके हृदय में इतना करुणा जागी हुई थी, उस करुणा को सही जगह ना लगा के हिरण से आ सकते थे। इसी ढंग से हम भी भक्ति शुरू करते हैं तो बहुत सी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, हम कुछ श्लोक बोलना शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं, कीर्तन करें, हमारे बहुत सी फॉलोइंग हो सकती है, लोग वाह वाह कर सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसमें फंस सकते हैं, तरंग रंगनी बोला जाता है इसको, विश्वाचार्य ठाकुर जी बताते हैं, अनिश्चितता भजन क्रिया में जो भक्ति के ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, इससे हम ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और किस लिए आए थे उसको भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मेन थिंग शुड रिमेन द मेन थिंग।
आते हैं कई बारी, या तो ऐसी सुविधाओं से हम भ्रमित हो जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि कई बारी हमें आसपास कुछ गलतियां दिखाई देती हैं तो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो गया, मैं तो क्या सोच के आया था, क्या गलतियां यहाँ पे, इतने दोष है। नहीं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज बहुत सुंदर एक शिक्षा देते हैं, बोलते हैं हम दूसरों के, जब दूसरों में दोषों को देखते हैं, दिखाई देते हैं, दोष है उसके अंदर, दिखाई भी दे रहे हैं, बड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं प्रकट रूप से, जब दूसरों के दोष हमें दिखाई देते हैं और उनके से उल्टे सीधे व्यवहार को देखकर हम बड़े भ्रमित हो जाते हैं, कैसे वैष्णव ऐसा व्यवहार करें, इतने दोषों से पूर्ण है, तो उस समय क्या करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए और थोड़ा आत्म अवलोकन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए उसके दोषों से मेरी भक्ति पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि मेरे अपने दोषों से अपनी भक्ति पे प्रभाव पड़ेगा। बहाने कई हैं भक्ति छोड़ने के, कई बहाने हैं, है ना। एक बद्ध जीव तो कई एक्सक्यूज, कई जन्मों से भक्ति को अवॉइड करते हुए आ रहा है और अब कृपा से, गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति में आ गए, तो अब भी वो टेंडेंसी रहती है कहीं ना किसी ढंग से इसको अवॉइड किया जाए। तो कैसे भी, कितने भी तरीके क्यों ना हमें दिखाई दें, ये है वो है, नहीं, हम हमेशा जो मेन थिंग शुड बी द मेन थिंग। बार बार हम अपने आप को कई साल बिताने के बाद भी पूछना चाहिए, जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ मैं आया था, जिस उत्साह और तीव्रता के साथ आया था, क्या वो है, इसको और बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हम भक्ति में वरिष्ठ होते जाते हैं, तो एक वरिष्ठ वैष्णव से हमने सुना, उसकी तुलना है कि हम पेड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। जब पेड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो पेड़ के जो नीचे होते हैं उसकी शाखाएं मोटी होती हैं, उस पर पैर रखना आसान है, ज़्यादा सिक्योर है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पेड़ की शाखाएं और पतली होती जाती हैं, इसका मतलब और हमें सावधान होना चाहिए, और हवा का जोर भी ज़्यादा होता है और जहाँ हमने पैर रखा वो पेड़ की तना शाखा भी थोड़ी पतली है, तो थोड़ा सावधान रहें। तो मेन थिंग, जो मेन चीज़ है, फोकस हमेशा हम बना के रखें। शिला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ रहे थे, इस ओलिनस भक्ति विकास महाराज ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, भक्ति सिद्धांत वैभव, तो उसमें वो लिख रहे थे कि शिला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज इतने फोकस थे अपने जीवन के लक्ष्य के लिए कि वो कहीं जाते थे तीर्थ स्थान वगैरह में तो नदियों में स्नान के लिए भी नहीं जाते थे। नदी में स्नान, समुद्र में स्नान करना अच्छा नहीं लगता, जाते नहीं थे। बोले जो मेरा फोकस है हरि कथा का श्रवण करने का, उससे मैं विचलित हो जाऊंगा, इतना फोकस। और बचपन में ही थे तो उन्होंने एक चिर कुमार सभा खोल दी थी, युवाओं को बनाया था कि उन्होंने सबने प्रण लिया था हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेंगे, केवल एक ही व्यक्ति बचे हो, बाकी कोई नहीं बचा था उस सभा में से, क्योंकि पूरे फोकस थे अपने जीवन के लक्ष्य को। तो इसलिए ये तीसरा था कि हम हमेशा फोकस्ड रहें। प्रभुपाद की एक शिष्य हैं जिनका नाम है हरग्रेस महामाया माता जी, वो अपने मेमोरीज में लिख रही हैं कि जब वो नई नई आई भक्ति में, उनकी जब दीक्षा हुई तो प्रभुपाद ने उनको बीड्स दिए और पूरे टेंपल हॉल में उनका नाम अनाउंस किया, आपका नाम होगा महामाया देवी दासी। जैसे ही नाम सुना पूरे टेंपल हॉल में सन्नाटा छा गया, डर गए लोग सब, महामाया, अरे। तो प्रभुपाद ने देखा, रहे फिर प्रभुपाद जोर से हंसे, प्रभुपाद बोलते हैं माया इज नॉट ऑलवेज बैड, है ना, जब आप कृष्ण को भूलते हो तब माया आपको तंग करेगी, पदम पदम यत वे पदम, अदरवाइज माया आपको टच नहीं करेगी। तो अगर हम हमेशा कृष्ण फोकस रखेंगे और हमेशा अपने आप को सेवा में दत्त रखेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो ठीक है, फिर माया नहीं आएगी। लेकिन जहां हम थोड़ा सा कृष्ण को भूलने चाहेंगे, माया तुरंत हमारी सेवा में उपस्थित है। चौथा, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति को हमेशा डरना चाहिए कि मैं भक्ति से गिर ना जाऊं। डर, ये पॉजिटिव फियर है। भागवतम के सातवें स्कंद के छठे अध्याय के पांचवें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत सुंदर बात, A sane person इज ऑलवेज फियरफुल ऑफ फॉलिंग डाउन। जो समझदार व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो पागल नहीं होगा, उसको डरना चाहिए मैं कहीं इस उच्च स्थिति से नीचे ना गिर जाऊं। एंड प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, दिस इज ए रेगुलेटिव प्रिंसिपल, ये एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, हर भक्त को डरना चाहिए। और प्रभुपाद यही कहते हैं कि मुझे अपने भक्तों से यही शिकायत है कि वो माया से डरते नहीं। हम बहुत जल्दी अपने आप को ट्रांसडेंटल मानना शुरू कर देते हैं, भक्ति प्रोसेस ट्रांसडेंटल है, लेकिन अभी हो सकता हम ट्रांसडेंटल ना हो, तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। और हर भक्त को अपना सेफ्टी सर्कल पता होना चाहिए, हर भक्त को अगर थोड़ा सा भी वो सिंसियर है, उसको मालूम होता है कि मेरी क्या कमजोरी है, कहाँ मेरी विकट उड़ सकती है,
मुझे कहाँ सावधान ज़्यादा रहना चाहिए। तो उन परिस्थितियों से हमें अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहिए, उस वातावरण से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, सावधान रहें। शिला प्रभुपाद इतने उत्साहित थे, प्रभुपाद में इतनी शुद्धता थी, प्रभुपाद तो हिप्पीज के न्यूड कैंप, न्यूडिस कैंप में भी चले जाते थे, जहाँ जो हिप्पीज हैं नंगे घूम रहे हैं, और वहाँ जाके प्रभुपाद ने प्रचार किया, और वहाँ से एक सुंदर बड़े भक्त को भी ले आए जो बाद में बने परम पूजनीय तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना। प्रभुपाद को ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करते देख के शिष्यों में बड़ा उत्साह आ गया। शिष्य बोलते प्रभुपाद हम भी नाइट क्लब में जाके प्रचार करेंगे। प्रभु बोला जा सकते हो लेकिन ध्यान रहे वापिस आना पड़ेगा। तो हर भक्त को अपनी क्षमता मालूम होनी चाहिए। अगर हम कबड्डी खेले होंगे तो कबड्डी जब खेलते हैं तो व्यक्ति को पता होना चाहिए मैं कितनी देर तक सांस रो सकता हूँ, नकल मार के अंदर घुस गए वापिस ही नहीं आए फायदा क्या हुआ। तो ओवर एम्बिशियस भी होना, अपनी लिमिट जानते हुए उसके हिसाब से हमें अटैक करना चाहिए। तो इसलिए डर हमेशा बना रहे, ये एक पॉजिटिव फियर है ना। और प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं इसी के तात्पर्य में कि क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, माया के अनंत रूप हैं, अनंत रूप हैं माया के। जरूरी नहीं है कि माया केवल स्त्री और धन के रूप में ही आएगी, विपरीत अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होगा या बहुत धन मिल जाएगा, नहीं, माया के अनंत रूप हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप ही माया धारण कर सकती है। हमारे कोई भी चीज़ जो हमें कृष्ण की भक्ति से दूर ले जाए वो माया है। कई बार हम भक्ति में बहुत निराश से हो जाते हैं, मेरे जैसा कोई तुच्छ है नहीं, विनम्रता की प्रैक्टिस करते करते हम बहुत मायूस हो जाते हैं, मेरे जैसा कोई तुच्छ नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बहुत निकृष्ट हूँ, ये क्या कि चुपचाप सो जाओ। हाँ बोलो ठीक है जी मैं तो कितना विनम्र हूँ, ये नहीं, ये भी माया है। बहुत ज़्यादा ग्लानी महसूस करना, बहुत ज़्यादा अहंकार में रहना, ये सब मिथ्या अहंकार के लक्षण है। तो माया किसी भी रूप में आ सकती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कैसे हम फिर हमेशा जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित रहें। प्रभुपाद कह रहे हैं हमें इस ढंग से जीना चाहिए कि हमारा मन और बुद्धि इतना शक्तिशाली रहे कि हम हमेशा इस समस्या भरे जीवन में अपने जीवन के असली लक्ष्य को पहचान सके। ये जीवन हमेशा समस्याओं से ही भरा रहेगा और ये समस्या हमें बोलेंगे नहीं पहले हमारे पे ध्यान दो, पहले हमारे पे ध्यान दो, अर्जेंट है, अर्जेंट है, अर्जेंट है। सो इस अर्जेंट अर्जेंट के चक्कर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अपने मन और बुद्धि को इतना तीव्र रखें कि इस समस्याओं भरे भरे जीवन में भी अपने जीवन के असली लक्ष्य को पहचान सके। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमेशा हम भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करते रहें, जिससे हमारा मन और बुद्धि तीव्र रहता है और जीवन के लक्ष्य को हम पहचान सके। पांचवा, माया इतनी विचित्र है कि जो हमारी शक्ति है वही हमारी कमजोरी बन जाती है, आवर स्ट्रेंथ बिकम्स आवर वीकनेस। भरत महाराज इतने शुद्ध वैष्णव और उनका हृदय इतना कोमल कि हिरण को देखकर उनके हृदय में करुणा जाग गई, लेकिन यही उनकी शक्ति स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस बन गई। जैसे आप क्रिकेट का गेम देखते होंगे, क्रिकेट में अक्सर हम देखते थे कि एक बैट्समैन का एक फेवरेट शॉट है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसी शॉट्स को खेलते खेलते वो 96 रन तक पहुंच जाता है, और जो अपोजिट टीम का कैप्टन उसको मालूम है यही इसकी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस बनेगी, और उसी शॉट को खेलते खेलते वो आउट भी हो जाता है। तो कई बार जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो हमारी बाद में वीकनेस बन जाती है। तो जो हमारी शक्ति है भक्ति में, जो हमारा अच्छा करते हैं उसको जानना चाहिए, जो भी स्ट्रेंथ आई है केवल गुरु की कृपा से आई है, उसी कृपा तब हम हमेशा सावधान रहेंगे और ये कृपा कहीं हाथ से निकल ना जाए, ये कृपा हम पर बनी रहे। छठा, हम देख सकते हैं कि जब भरत महाराज का पतन हुआ, हालांकि ये भगवान की इच्छा से वाले हैं, बहुत शिक्षा प्रदान किया इसमें, उसके बाद प्रभुपाद लिख रहे हैं उन्होंने बहुत पश्चाताप किया और हिरण की योनि में आने के बाद और दोबारा जड़ भरत बनने के बाद कोई चांस नहीं लिया, है ना। तो अगर हमसे गलती हो भी जाती है उसके बाद हमें जब दोबारा मौका मिलता है हमें कोई चांस नहीं, पूरा डिटरमाइंड, तो भरत महाराज पूरे डिटरमाइंड थे कि अब दोबारा कोई खतरा मोल नहीं लेना। इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने भक्ति की। उनका लक्ष्य, हालांकि बहुत अच्छे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए वो, और उन्होंने ब्राह्मण धर्म का भी पालन सही ढंग से नहीं किया, ना ही सीखा ही नहीं। उनके पिताजी जो उनको सिखाते थे उससे उल्टा काम करते थे, शौच क्रिया के बाद हाथ धोने चाहिए वो शौच क्रिया से पहले हाथ धो देते थे,
इतना पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, और जान कैसे पागल बना रहना चाहिए, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, पागल बन के ही रहूँगा, ताकि जो मेरे कृष्ण के स्मरण में कोई भी बाधा ना आए, कोई चांस नहीं ना। दूध का जला छाक भी फूक फूक के पीते हैं। तो अपने ब्राह्मण धन का भी पालन उन्होंने सही ढंग से नहीं किया कि मैं दोबारा इस के चक्कर में कहीं वहाँ फंस ना जाऊँ। तो इसलिए जैसे देखते हैं अजामिल के केस में भी, जब अजामिल ने यमदूतों और विष्णु दूतों की वार्तालाप को सुना और उसने देखा कि मुझे इतनी कृपा प्राप्त हुई है, हरिनाम की इतनी महिमा है, तो उसके बाद बहुत दृढ़ता के साथ वो हरिद्वार में गए और उन्होंने भक्ति शुरू की। और प्रभुपाद अपने उसके उनके श्लोकों के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमें अजामिल से यही सीखना है, इतनी दृढ़ता के साथ ही हमें भक्ति करनी चाहिए। अक्सर अजामिल के प्रसंग में हम पहले वाले भाग में अजामिल के प्रसंग से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, है ना, कि चलो जो मर्जी कर लो, आखिरी में याद कर लेंगे भगवान को। नहीं, प्रभुपाद कह रहे नहीं, हमें दूसरे भाग से सीखना चाहिए। पहला भाग तो हमारा हो चुका है, सबका जो उल्टे काम करने थे पूरा मात्मा सब कर चुके, अब आज जब आप भक्तों के संग में आ गए, हमें भी सेकंड चांस मिल रहा है, हमारा सेकंड चांस है, तो इसमें आप कोई और चांस नहीं लेना चाहिए, आप सब कुछ भगवान की सेवा में स्मरण बना रहे। प्रभुपाद कहते बस एक जीवन, यही जीवन आखिरी जीवन होना चाहिए, इस प्रकार से हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ छह शिक्षाएं हमने लेने का प्रयास किया और ये भी चर्चा की कि भक्ति बहुत दुर्लभ है और इसको बहुत सावधानी से हमेशा हमें करना चाहिए।